देखते देखते नंदगांव में रहते हुए मेरा 10वां दिन आज पूरा हो गया है। तो आज भगवान सूर्य को अर्घ देते हुए दिन की शुरुआत मैं कर रहा हूँ। ओम आदित्याय नमः, ओम सूर्य नारायणाय नमः। नंदगांव के पनिहारी कुंड के आश्रम में भगवान शिव भी यहाँ स्थापित है। तो आज भगवान शंकर को हम पानी से अभिषेक करते हुए उनसे प्रार्थना करते हैं अपना आशीर्वाद हम सभी पर और पूरे विश्व पर बनाए रखें। ओम नमः शिवाय। दिन की शुरुआत अगर भगवान की पूजा आराधना से की जाए तो वो दिन की शुरुआत बहुत ही पवित्र और बहुत ही खूबसूरत हो जाती है। जैसे कि मेरे साथ हुआ, मानो मेरा मन एकदम शांत हो गया है। हरे रामा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। मेरे हिसाब से हर एक व्यक्ति को दिन की शुरुआत अपने भगवान अपने ईश्वर की आराधना करके ही करनी चाहिए। क्योंकि हमारा जीवन इतना ही व्यस्त होता है कि हम लोग बहुत ज़्यादा ही बिजी रहते हैं हर एक काम से हर एक चीज़ों से। तो हमें ईश्वर का जो आशीर्वाद है वो गुण है वो हमारे ऊपर उतारने के लिए ईश्वर की आराधना हर सुबह करनी चाहिए। क्या बना रहे बताओ? आज मिक्स सब्जी बना रहे हैं आलू के साथ। इसमें चावल आटा सब डाल के घोल के सबको पिलाएंगे, सबके पेट के कीड़ा खत्म हो जाएगा। हाँ। आप कुछ बोलिए। क्या बोले, हमको आता जाता है यार में। सब पागल बाबा है, बिल्कुल पागल बाबा जो ही है। झंडा जुलाना है आज, बता दे रहा हूँ। पापा तुम्हें बोल गया क्या देना उसे? झंडा है आपको सब जुलाने, 5-6 अंडे हैं सब जगह लगाओ। कुछ बोलिए आप यहाँ के बारे में, कुछ बोलिए अपने भाषा में। महाराज बोले वो बड़ी बड़ी जो तो महाराज तो चुप हो गए। हाँ तो गाली गाली थी नहीं, ब्रेक की गाली बहुत प्यारी है। हम बार गाली के चक्कर में ब्रेक की गाली को गाली ब्रेक की बहुत प्यारी होती है। नहीं जानता था पहले, नहीं जानता ब्रेक की भाषा, ब्रेक की गाली बहुत प्यार की है। हम अभी 2-3 सिखा दीजिए, हम लोग कलकत्ता में जाकर बोले सारे रे सारे भाषा प्यार की है बहुत ज्यादा। तू रे बहुत ज्यादा प्यार की भाषा है ब्रज की। तू का कर रहा है, तू का कर रहा है? पशुओं की भाषा इतनी प्यारी है यहाँ की, सबको रंग लगा हुआ है ये बचा हुआ। और तुम करके बोले थे हमने बहुत खराब, तू करके भाषा यहाँ की भागने लगा।
तो अभी चलिए हमारे साथ हमारे आश्रम के दर्शन करिए। तो अभी आपको हम अपने आश्रम के जो छत है उसके ऊपर लेके जा रहे हैं। तो आइए आप, अब हम छत पे आ चुके हैं, आप देख सकते हैं, और यहाँ से वातावरण बहुत खूबसूरत दिखाई दे रहा है। दूर दूर तक हर छोटी छोटी चीज़ें दिखाई दे रही है एकदम बारीकी के साथ। और ये देख सकते हैं आप, हम लोग अभी आ गए हैं देसी अखाड़ा में, यानी कि हमारे जो पहलवान है यहाँ के, तो यहाँ पे आकर वो कुश्तियाँ करते हैं और यहाँ पे पहलवानी करते हैं। तो ये वही मिट्टी है जो शहरों में दिखाई नहीं देती है, क्योंकि मैं कोलकाता से आता हूँ तो कोलकाता में तो ये दिखता नहीं है। तो मुझे ये दिखा, इतना अच्छा लगा, एकदम देसी अखाड़ा जैसे टीवी में देखते थे वैसा ही फील हो रहा है कि हम मतलब सामने देख रहे हैं, और बहुत अच्छा लग रहा है। और सुबह सुबह यहाँ पे जो बच्चे हैं और यहाँ पे जो एक्सरसाइज करने के लिए बच्चे और लड़के आते हैं, तो वो मॉर्निंग में ही आते हैं। और आप देख सकते हैं ये डंबल है जो हमेशा यहाँ पे रखे रहते हैं, और सारे पहलवान इसका इस्तेमाल करते हैं। और ये है प्रोटीन शेक बनाने का सील बट्टा, जो इससे बच्चे और लड़के जो है वो प्रोटीन शेक बनाते हैं। और यहाँ देख सकते हैं आप भगवान हनुमान जी का एक भव्य और खूबसूरत छोटा सा मंदिर है, जो हर पहलवान हनुमान जी की आराधना करता है, तो उसके लिए हनुमान जी का मंदिर यहाँ पे उपस्थित है। राधा रानी कैसे भैया कहाँ बना रहे हो तू? भैया वीडियो बनाते हैं आपका। बाबा जी खाने के चक्कर भैया खाने का बना है और अब कहाँ डाल रहे हो सर पे? बाद में दे देंगे। और मत दीजिए, बस हो गया, बहुत सारा है, मुझे तो लेने दो। डाल दो लो, तुम्हें दे दो। नहीं नहीं है, बहुत बहुत है। अरे शांति सा, झोली होता है माला होगा तो झोली में वो एक मार्केट में सबके तीन जो माथा लोग आती है उसे रहता क्या नहीं होगा वो कहीं बना सकते हो दुकान जैसे आप माला दिया।